नमस्कार, स्वागत है आपका टुडे साउथ पर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभास इस समय भारतवर्ष के सबसे बड़े सितारों में गिने जा सकते हैं, क्योंकि इनकी अपील पैन इंडिया ही नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड हो चुकी है। बाहुबली के फैंस यहां नहीं जापान से लेकर के अमेरिका तक आपको मिल जाएंगे। और सबसे खास बात क्या है कि ये इस समय दो फिल्में कर रहे हैं, जिसमें से एक फिल्म जान जो है एक रोमांटिक फिल्म है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो एक फिल्म आने वाली है वो एक बहुत बड़ी फिल्म है। और इस फिल्म में आप देखेंगे इनको एक कम्प्लीटली नए रूप में। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है। जहां तक सवाल उठता है नाग अश्विन की साइंस फिक्शन फिल्म का, इसका बजट ये माना जा रहा है कि करीब करीब 250 करोड़ रुपए होगा। और ये फिल्म जो है एक नेक्स्ट लेवल फिल्म होगी हिंदुस्तान के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स यशराज फिल्म्स जो हैं, उन्होंने ऑफर किया है जॉन अब्राहम को धूम 4 में नेगेटिव रोल। और इसके लिए उन्हें जो है एक जो फिगर अभी आ रही है मार्केट में हमारे सामने, हालांकि इस पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, कि इनको 100 करोड़ रुपए का जो है ऑफर मिला है बगौर एक्टर इस फिल्म में काम करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा जो है कास्टिंग कू होगा। और मेरे ख्याल से अपफ्रंट मनी के मामले में ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पे आउट होगी। आज तक किसी भी एक्टर को अपफ्रंट 100 करोड़ का जो है पे आउट नहीं मिला है। हाँ, शेयर्स लेकर के जो है प्रॉफिट का एक्टर्स ने इससे कहीं ज़्यादा कमाया है, चाहे आमिर खान हो चाहे सलमान खान हो, लेकिन किसी को भी अपफ्रंट इतने पैसे नहीं मिले हैं। आपका क्या कहना है? क्या सच में 100 करोड़ एक ऐसी फिगर हो सकती है जो इनको ऑफर हुई हो? आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।